आज नागरी कॉलेजी के हॉस्टल में आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक तो मैं समझती हूँ इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज के जो फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर है आज श्याम बेनेगल जी के बाद, गोविंद निहलानी जी के बाद, मैं इधर पहला लेक्चर देने वाली हूँ ऑन द फर्स्ट फाउंडेशन ईयर. एंड मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है क्योंकि ओम जी वॉज अ लार्जर देन लाइफ एक्सप्लोजिव टैलेंट दैट इंडिया हैड. मेरे हिसाब से दे वेंट टू सून, ही वेंट टू सून. एंड इट वॉज, इट इज़ समथिंग दैट इज़ यू नो इरिप्लेसेबल लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री. तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है. एंड मैं समझती हूँ नंदिता जी भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. आप देखेंगे आगे स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं एंड सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं टू पीपल हु रियली नीड. सो द फाउंडेशन इज़ डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क. एंड जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू यू नो ऑन दिस सॉलम ओकेजन वेयर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ओम पुरी फाउंडेशन हैज़ जस्ट टेकन बर्थ. तो मैंने बोल दिया ना, इरिप्लेसेबल लॉस. ओके ओके. सो ओमपुरी सर ने काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म्स की है, हॉलीवुड में जाके, तो कितना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है? आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया में भी और पूरे देश, पूरे यू नो लिटरली ऑन द होल प्लैनेट, ऑन द ग्लोब, ही पुट इंडिया ऑन द ग्लोब विथ हिज टैलेंट. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि जब ओमपुरी जी वगैरह हॉलीवुड जाते थे, यहाँ तो ऐसे लगता था कि कोई चांस ही नहीं कि हमारे एक्टर्स भी इंटरनेशनल फिल्म्स करेंगे. एंड ही मेड द ब्रेक थ्रू फर्स्ट, विच आई थिंक वॉज प्योरली ऑन हिज टैलेंट. क्योंकि उन तरीके का लेजेंड और जिस लेवल ऑफ उनकी जो कला थी, आई थिंक कोई मैच नहीं कर सकता, न कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी. आपको याद है आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद ओमपुरी सर? जी हाँ, बिल्कुल. मैंने तीन फिल्में की उनके साथ. एक फिल्म थी आन, एक फिल्म थी विनाशक, और शायद और भी की होंगी जो भी एकदम फिलहाल याद नहीं. लेकिन मुझे याद है मेरा जो पहला सीन था, वो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यू नो उस समय मैं नई सी थी एंड यू नो जस्ट सॉर्ट ऑफ मेकिंग माई मार्क इन द इंडस्ट्री. और मुझे मौका मिल रहा था यू नो ओम पुरी जी के साथ काम करने का. तो जो पहला सीन था, तो उन्होंने शायद पहचान लिया कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ उनके साथ डायलॉगबाजी करने में. ये वो तो मेरे पास आई, बोली क्या नर्वस हो गया? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा, मतलब मेरा इतना लंबा डायलॉग है और आप खड़े हैं सामने, तो आपके सामने परफॉर्म करना तो बहुत बड़ी बात है. बोला अरे वो सब भूल जाओ, चलो मैं तुमको जोक सुनाता हूँ. एंड उन्होंने स्टार्ट किया अपने जोक सुनाना, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि वो हंसा हंसा के ना यूज़ टू मेक द अदर पर्सन कम्फर्टेबल. तो उनमें वो बड़प्पन था जो काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स में नहीं है. वो समझते हैं उनकी ही परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तो दूसरी की परफॉर्मेंस ख़राब कर दो. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं. लेकिन ओमपुरी जी का कहना यह था कि अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस दोगी तो मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा, और हमें एक सीन यानी कि एक फिल्म को उठाना है. तो उनमें वो इतना बड़प्पन था, यू नो विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल. ऐसी कोई चीज आपने? आई थिंक आई हैव टू गो फॉर द थिंग. ओके या फास्ट लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो आप अपने कॉलेज में आए हो इतने साल बाद, तो जैसे कि आपने कहा, क्या कुछ चेंजेस? बहुत ही ऐसे लगता है मैं किसी फ्यूचरिस्टिक यू नो साइंस फिक्शन मूवी देख रही हूँ. इतना पूरा चेंज हो गया, इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल. आज के बच्चे इतने लकी हैं कि उनको ऐसे कैंपसेस और ऐसे यू नो चांस मिल रहा है इस तरीके के कॉलेजेस में पढ़ने का. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. Thank you so much. Thank you.